हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधानसभा चुनाव को लेकर आज बुधवार को दोपहर बाद भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने पर्चा दाखिल किया। इससे पहले गर्ग ने अपने चुनाव कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं व समर्थकों को संबोधित भी किया। वह उसके बाद जुलूस के रूप में नया बस स्टैंड होते हुए पंचायत समिति बागोड़ा रोड हरिदेव जोशी सर्कल व अस्पताल चौराहा होते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उपखंड मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया के समक्ष नामांकन पेश किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बलावत, जिला प्रमुख बने सिंह गोयल, भूपेंद्र देवासी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व महिलाएं मौजूद थी। प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। सारे हमारे जालौर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के चार मंडल हैं। चारों मंडलों के वर्तमान अध्यक्ष हमारे प्रस्तावक बने हैं और सारे वरिष्ठ कनिष्ठ सारे कार्यकर्ताओं ने आकर जोश के साथ नामांकन दाखिल करवाया है और इस एकजुटता के को कायम रखते हुए हम 7 तारीख को वोटिंग करवाएंगे और ज़बरदस्त वोटिंग करवाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार का जो माहौल जालौर विधानसभा क्षेत्र में बना है वो पिछले सारे रिकॉर्ड जीत के तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, नया रिकॉर्ड बनाएगा। धन्यवाद। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।